कन्नौज ब्रेकिंग, पत्रकार हत्याकांड को लेकर सीएम को ज्ञापन। पत्रकार एसोसिएशन ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के हत्यारोपियों को फांसी देने की मांग। मृतक के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद की भी मांग। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनीष दीक्षित का ऐलान, जब तक नहीं पूरी होगी मांग होता रहेगा विरोध। यूपी के कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की रिपोर्ट। आज आप लोगों द्वारा एडीएम साहब को किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज के हमारे पत्रकार साथी सुलभ श्रीवास्तव जी की शराब माफियाओं द्वारा निर्मम हत्या की गई, जिसको प्रशासन द्वारा हादसा बताया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उन्होंने उसको हत्या में मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और दूसरी बात है, चूँकि शराब माफियाओं का मामला है, चूँकि ये दबंग टाइप के लोग होते हैं, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि इसकी पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, जिससे निष्पक्षता सामने आए। और दूसरी बात, पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा, तथा साथ ही सबसे बड़ी जो मांग हमारी है कि पत्रकार अपनी खुले मन से अपना काम ही नहीं कर पा रहे, इसके लिए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए प्रदेश में, जिससे पत्रकार अपने खुले मन से अपनी निष्पक्षता रूप से काम कर सके। शुभ नाम? मनीष दीक्षित, पत्रकार सहायता जिला एसोसिएशन के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।